समंदर के लहरों के बीच गोते लगाती एक नाव जिस पर करीब 80 से ज्यादा लोग सवार होकर अपने मुकाम की ओर जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि अगले ही पल काल की टेढ़ी नजर उन पर पड़ने वाली है। अगले ही पल एक झटके में दर्जनों जिंदगियां दरिया में समा गई। समुद्र की ऊंची लहर जब उठी तो अपने साथ ले गई कई जिंदगियां। दरअसल लीबिया के तट पर प्रवासियों को ले जा रही नाव हादसे का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक समुद्र की ऊंची लहरों की चपेट में आने के बाद नाव हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान नाव पर सवार 61 लोग लापता हो गए और माना जा रहा है कि इनकी मौत हो चुकी है। इस नाव पर नाइजीरिया, गाम्बिया और अन्य अफ्रीकी देशों से महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 86 प्रवासी सवार थे। वही इस हादसे में 25 लोगों को बचाया गया है और उन्हें लीबिया के डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जीवित बचे सभी लोग अच्छी स्थिति में हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता भी दी जा रही है। आपको बता दें कि भूमध्य सागर पार कर अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले प्रवासियों के लिए लीबिया मुख्य केंद्रों में से एक है।